बिसम रहीम टुडे वी गोइंग टू कंटिन्यू विद द टॉपिक ऑफ़ कॉन्स हम पहले बात कर चुके हैं कि हम स्टैट्स की बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते और इसमें बहुत सी चीज़ें जो आपने पहले की होंगी बट वी नीड टू टच बेस दैम एंड सी देर एप्लीकेशन और हमारे उसमें रिलेशन पे हम उसको फर्दर बात करेंगे आज का जो हमारा टॉपिक है वी गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी ड्यूरेशन एंड कन्वेक्सिटी आर टूल्स यूज टू मैनेज रिस्क एक्सपोय ऑफ फिक्स्ड इनकम्स इंस्ट्रूमेंट्स. फिक्स इनकम वाले से अब हमने बात की दैट मीन मोर लाइक बॉन्ड्स टी बिल्स जिसमें एक फिक्सड uh, इनकम की स्ट्रीम्स आ रही हैं. यानी कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विटीज नाउ वीर टॉक अबाउट बॉन्ड्स टी बिल्स उनकी बात करें और उनके लिए ये टूल फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ड्यूरेशन मईर्स बॉन्ड सेंसिटिविटी टू इंटरेस्ट रेट चेंज मीन जब फिक्स इनकम की बात आती है तो हमारा मेन ड्राइवर है इंटरेस्ट रेट सो वी वॉन्ट टू गेज के इंटरेस्ट रेट चेंज का हम पे क्या इंपैक्ट आएगा दैट्स मेनली गेज थ्रू ड्यूरेशन कन्वेक्सिटी रिलेट्स टू इंटरेक्शन बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इट्स एज इट एक्सपीरियंस चेंज इन इंटरेस्ट रेट तो जब इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो वो कैसे इंपैक्ट करेंगे कन्वेक्सिटी उसको कैप्चर है यानी कि बोथ आर लुकिंग एट द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स बट उनका जो व्यू है प्रोस्पेक्टिव है थोड़ा सा डिफरेंट लर्न राइट ना ड्यूरेशन फ्रेडरिक जो जिनके नाम से ये बेस्ड कर रहे हैं सजेस्ट दैट दिस ड्यूरेशन कम्प्यूडेड एज वेटेड एवरेज ऑफ टाइम्स टू मच्योरिटी ऑफ ईच कुपोन और प्रिंसिपल मेड बाय द बॉन्ड कुछ में इवन कूपॉन नहीं भी होता तो कुपोन और जो प्रिंसिपल की पेमेंट्स हैं उनको कैप्चर करते हुए जो चीज ली जाती है दैट रूटेड एज ड्यूरेशन एक होता टर्म कि ये पांच साल का बॉन्ड है इट्स नॉट जस्ट ड्यूरेशन भी अक्सर लफज बोली जाती है कि जी पांच साल का बॉन्ड है तो ड्यूरे बट वेन वी से ड्यूरेशन इट्स मई इंटरेस्ट रेट चेंज तो ये उसके थ्रू कैलकुलेट होता है ड्यूरेशन इज क्रिटिकल टू मैनेजिंग फिक्स इनकम पोर्टफोलियो क्यों क्योंकि हमें सबसे ज्यादा ही इंपैक्ट हो रहा है इंटरस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट स्ट्रीम से हम लिंक हैं सो वी नीड टू नो हाउस गोइंग टू इम्पैक्ट इट्स सिंपल समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ़ द इफेक्टिव एवरेज मेचोरिटी ऑफ पोर्टफोलियो तो ये उससे लिंक करके इम्पैक्ट किया जाता है डेफिनेटली बेस्ड ऑन द टन ऑफ द बॉन्ड बट दिस इज हाउ इट रिलेट इट्स एन इसेंशियल टूल इन इम्यूनाइजिंग द पोर्टफोलियो वैन वी से सम्यूनाइजिंग इसका मतलब यह है कि हम अपने आप को सेफ गार्ड करना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट से हम बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ना हों पोर्टफोलियो जो मेन एम है इसका यही है कि सेंसिटिविटी देखी जाए कि हमारा पोर्टफोलियो कितना प्रॉन है टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट कन्वे कन्वेक्सिटी का मतलब कन्वेक्सिटी आप आपको याद आ रहे हो कनकेव एंड कन्वैक्सली भी उसमें हमने देखा है डायमेट्रिकली जब आप वो उसमें स्टार्ट पढ़ते हैं तो यहाँ पे कन्वेक्सिटी का इसका जो है क्यों जरूरत थी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ड्यूरेशन हैज़ लिमिटेशन वेन यूज टू मईर इंट्रस्ट इट सेंटिविटी मैयर है ड्यूरेशन लेकिन इसकी अपनी कुछ लिमिटेशन है जो कि इतनी अच्छी कैप्चर नहीं करती दैट्स वाई वी नीड टू मूव टू कन्वेक्सटी क्योंकि होता क्या है स्टेटिस्टिक्स कैलकुलेट्स अ लीनियर रिलेशनशिप लीनियर रिलेशनशिप मतलब कि स्लाइड की बात करता है अप एंड डाउन स्ट्रेट मूवमेंट की बात करती है ड्यूरेशन जो कि एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि ट्रेड लाइन पे मूवमेंट हो रही हो बॉन्ड की प्राइसेस में जब इंटरेस्ट रेट्स में चेंज आ रही हो तो वो कुछ उसमें कभी नेचर आ जाती है दैट्स वाई वी नीड टू हैव कन्वेक्सिटी ये अगर आप ग्राफ देखें तो इस ग्राफ में हमें एक ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि वट द बोथ आर टॉकिंग अबाउट बॉन्ड प्राइसेस हमने ले ली और उसके साथ बॉन्ड यील्ड को हमने ले लिया अंडर एस्टिमेट ऑफ प्राइस इनक्रीज वेन फॉल्स ओवर एस्टिमेट प्राइस वेन येसिकली जो लाइन आपकी बात कर रहे हैं यहाँ पे वो लाइन जो, straight, line जो है स्ट्रेट लाइन जो हमारे पास डायगनल में आई हुई है दैट इज अबाउट ड्यूरेशन बट जो कर्व इन नेचर है वो हमारी जो है वो उसका सेकेंड स्टेज है जो कि हमें इसमें लेना है इन फिगर वन कर्व लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन प्राइस गिवन इन दील्ड एक्चुअली जो कर्व जो लाइन हमने देखी थी कर्व में एक्चुअली वो ओरिजिनल चेंज था कि जब इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे थे तो बॉन्ड की प्राइस में क्या इम्पैक्ट आ रहा था वो कर्व की जो एक्चुअल लाइन है वो रिफ्लेक्ट कर रही है और जो स्ट्रेट लाइन है वो बता रही थी ड्यूरेशन बता रही थी ड्यूरेशन पाथ डायरेक्शन ठीक बता रही थी लेकिन जो उसका ट्रू इम्पैक्ट है उसको कैप्चर नहीं कर रही थी तो जो कर्व वाला फैक्टर जो कैप्चर कर रही है वो उसकी कन्वेक्सिटी है जो कि उसको बताती है कि एक्चुअली उसने कहाँ जाके मूव हो जाता है और कितना इम्पैक्ट एक्चुअली लेता है कन्वेक्सिटी मेयर ऑफ कर्व इन नेचर कर ऑफ द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ बॉन्ड बॉन्ड में जो चेंज आएगी उसको इम्पैक्ट को लेता हुआ है और ये जो स्ट्रेट लाइन वाला इम्पैक्ट है उसको कैप्चर कर लेता है तो इट्स बेटर देन द ड्यूरेशन और एक्चुअल फ्लक्चुएशंस को बेस करा होता है का फॉर्मूला वी डोंट नीड टू लर्न इट बट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि ये ड्यूरेशन को रिफाइन करके यूज करके वी कैन कम अपनवेक्सिटी एंड दैट द एक्चुअल एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट जो कि हमारे उसमें आता है इसका जर्नल देखा गया, गया है इन जर्नल हायर कूपन द लोअर द कन्वेक्सिटी बिकॉज उनके कूपन जब ज्यादा होंगे तो पेमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो इसलिए इम्पैक्ट उसकी जो कन्वेक्सिटी है वो कम हो जाता है लो कूपन कम होगा तो कन्वेक्सिटी ज़्यादा आएगी इसी तरह जीरो कूपन में इट विल बी ऑन अ हायर साइड और कुछ फीचर्स आ जाएंगी तो फिर भी इम्पैक्ट उसका डिफरेंट आ जाएगा तो ड्यूरेशन इनको प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं कर पाती दैट्स वाई वी नीड कन्वेक्सिटी रोड एज जस्ट टोल्ड यू हैव द हाइस्ट कन्वेक्सिटी बिकॉज उसमें दरमियान में कोई पेमेंट होनी ही नहीं है इनिशियल एक है और एक मेचोरिटी भी है तो पे पर जो है इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है तो हाई कन्वेक्सिटी बॉन्ड इज मोर सेंसिटिव टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट एंड शुड कॉन्स्टेंटली विदनेस लार्जर फ्लक्चुएशन इन प्राइस क्योंकि जिनकी कन्वेक्सिटी ज्यादा आ रही है फिर उनका इम्पैक्ट भी ज्यादा आता है तो वी शुड भी वेरी मच केयरफुल विद्क यू